हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा रघुवंशी, बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि नील बोहर के ज़माने तक यह साबित हो चुका था कि परमाणु में नाभिक बीच में उपस्थित रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। जैसा कि चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि हमने एक परमाणु का चित्र लिया हुआ है। परमाणु के अंदर नाभिक है और नाभिक के चारों ओर दो वृत्तीय कक्षाएँ हमने बनाई हुई हैं। जैसे कि हम जानते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्तीय कक्षा में गति कर रहे होते हैं। चित्र में हमने दो वृत्तीय कक्षाएं ली हुई हैं, तो पहली वृत्तीय कक्षा में हमने दो इलेक्ट्रॉन और दूसरी वृत्तीय कक्षा में हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। परमाणु का यह चित्र तो आज हमारे दिमाग में बैठा है, परंतु प्रारंभिक दिनों में कुछ वैज्ञानिक यहाँ तक मानते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के भीतर भी हो सकता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित हो सकता है और कहाँ स्थित नहीं हो सकता है। आज के टॉपिक में हम यह जानेंगे कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित नहीं रह सकता है। यह सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि परमाणु के नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है। अब बात आती है, नाभिक के भीतर कहाँ? क्या नाभिक के केंद्र में, या नाभिक की परिधि में, या नाभिक की केंद्र और परिधि दोनों के बीच में कहीं भी? जैसे कि हम जानते हैं कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10^10 मीटर या 1 आर्मस्ट्रांग के बराबर होती है, और साथ ही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हम यह भी जानते हैं कि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10^15 मीटर या 1 फर्मी के बराबर होती है। यहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर कहीं भी उपस्थित है। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4π, अर्थात कण की स्थिति की अनिश्चितता और कण के संवेग की अनिश्चितताओं का गुणनफल या तो एच अपॉन 4π के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। साथ ही हम जानते हैं संवेग अर्थात द्रव्यमान गुणित वेग। अब समीकरण में हम p के स्थान पर mv लिख रहे हैं, तो डेल एक्स इंटू डेल mv। अब हम जानते हैं कण का द्रव्यमान एक स्थिरांक होता है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो हम परिवर्तन ना होने वाली राशि को एक तरफ और परिवर्तन होने वाली राशि को एक तरफ लिख देते हैं। तो m इंटू डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4π। अब हमने m को असमीका के एक और पक्षांतर करके लिख दिया, अर्थात डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4π m। इसी प्रकार हम डेल एक्स को भी पक्षांतर करके इसकी दूसरी ओर लिख देते हैं, अर्थात डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच 4π एच अपॉन 4π m डेल एक्स। जैसे कि हम जानते ही हैं एच पाई एम और डेल एक्स ये सभी स्थिरांक हैं। अब अगर इन सभी स्थिरांकों के हम मान लिख दें तो समीकरण कुछ इस प्रकार होगा। एच का मान हमने 6.6×10^34, पाई का मान 3.14, डेल एक्स का मान 10^15 और m का मान 9.1×10^31 लिख दिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल v ग्रेटर देन और इक्वल टू 5×10^10 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। जैसा कि हमें डेल v जो कि इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता है उसका मान 5×10^10 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ है। अगर हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि यह राशि प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड से कहीं अधिक है, जो कि असंभव बात है। इस प्रकार हमें इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता 5×10^10 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुई है, जो कि प्रकाश की चाल से कहीं अधिक है। अब क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो ही नहीं सकता, तो फिर इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता प्रकाश के वेग से अधिक कैसे हो सकता है? इस प्रकार कहीं ना कहीं हमारी कल्पना ही गलत है। हमने यह माना था कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। हमारी गणना यह सिद्ध कर रही है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित हो ही नहीं सकता। आज के टॉपिक में हमने यह जाना कि कभी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।